जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, विपक्षी दलों के गठबंधन में सीटों को लेकर खींचतान बढ़ती जा रही है। दिल्ली में विपक्षी दलों की बैठक के बाद सीट शेयरिंग को लेकर आपसी सहमति बनाने की बात कही गई थी। हालांकि सहमति के बजाय विपक्षी दलों के बीच आपसी तल्खी बढ़ती जा रही है। बता दें कि विपक्षी गठबंधन की पिछली बैठक के दौरान ये निर्णय भी किया गया था कि लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे की बातचीत को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। ममता बनर्जी की पार्टी TMC ने तो 31 दिसंबर 2023 तक सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने की मांग भी की थी। हालांकि अब साल 2023 खत्म हो चुका है, लेकिन विपक्षी गठबंधन में अभी भी सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ है। वहीं पश्चिम बंगाल में तो सत्ताधारी TMC और कांग्रेस के बीच तल्खी भी बढ़ती जा रही है। राज्य में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और TMC के बीच जमकर बयानबाजी जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पश्चिम बंगाल में TMC सीट बंटवारे को लेकर अंतिम फैसला लेने की अनुमति मांग रही है। इसके साथ साथ TMC कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने की इच्छुक नहीं है। वहीं पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी भी लगातार TMC पर हमलावर हैं। उन्होंने एक बार फिर TMC पर हमला बोलते हुए कहा है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को ममता की दया की कोई जरूरत नहीं है। राज्य में कांग्रेस अपने दम पर भी चुनाव लड़ सकती है। वहीं TMC और कांग्रेस की भिड़ंत पर BJP ने भी निशाना साधा है। देखिए, पूरा देश में किसी भी जगह में कोई अलायंस नहीं होगा। ये INDA जो जोट है ना, इसमें कोई उद्देश्य है ना, इसका कोई लक्ष्य है। इसीलिए कोई अलायंस वलायंस नहीं होगा, कोई सीट शेयरिंग नहीं होगा। वो नाम में एक अलायंस रहेगा, लेकिन सब अकेला अकेला लड़ेंगे। देखिए ना, अभी सीट शेयरिंग का बात होते ना होते कांग्रेस तृणमूल और CPM का अंदर कैसा बयान का लड़ाई शुरू हो गया। अधीर चौधरी इधर से चिल्ला रहा है, उधर से ममता बनर्जी चिल्ला रहा है, इसमें कैसे सीट शेयरिंग हुआ। लेकिन सीट शेयरिंग हो या ना हो, उसमें BJP का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हालांकि कांग्रेस लगातार ये दावे कर रही है कि जल्द से जल्द लोकसभा चुनावों को लेकर सीटों का बंटवारा हो जाएगा। हर जगह आपस में बातचीत चल रही है और बातचीत करके हम लोग सम्मानजनक ढंग से सीटों का समझौता बहुत शांतिपूर्वक हो जाएगा। हम देश में एक बेरोजगारी पैदा करने वाली, महंगाई बढ़ाने वाली, पूंजीपतियों की तिजोरी भरने वाली, अपना सर झुकाकर चीन के सामने खड़े होने वाली सरकार को हम अपदस्थ करेंगे। इसके लिए हमें सीट शेयरिंग में कोई समस्या नहीं। बता दें कि महाराष्ट्र में भी सीट बंटवारे को लेकर शिवसेना उद्धव गुट और कांग्रेस के बीच आपसी खींचतान जारी है। दो दिन पहले ही संजय राउत ने सीट बंटवारे को लेकर क्या कहा था, सुनिए। कल ही मेरी खड़गे साहब से बातचीत हो गई। उद्धव ठाकरे जी ने कहा था कि खड़गे साहब से बातचीत करिए एक बार, तो मेरी कल रात को बातचीत हो गई। खड़गे जी बेंगलोर में है, अब दिल्ली में आ जाएंगे। महाराष्ट्र में जो बातचीत करनी है उसके लिए खड़गे साहब ने हाई लेवल कमेटी की स्थापना की है। पहले उनसे बातचीत होगी, बाद में हम खड़गे साहब से और राहुल जी से बात करेंगे। हाल ही में संजय राउत ने यह भी कहा था कि महाराष्ट्र में शिवसेना 23 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ऐसा नहीं है कि ये खींचतान महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में ही हो रही है, दिल्ली पंजाब और बिहार में भी सीट बंटवारे को लेकर कमोबेश यही हाल है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।